सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। और एक्सरसाइज 1.5 तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, सो सिंपल सा एक्सरसाइज आपका, और ये आपका क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर हैं, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने क्लास 8 में डिटेल में पढ़ रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट आपका है 64 टू दी पावर 1/2। ओके, तो इसके करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या तो हम इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं 64 की जगह पे, और कि होल पावर में 1/2 लिखा, ठीक है, और उसके बाद 8 की पावर 2 इंटू 1/2 किया, तो ये आपका कैंसिल हो गया, दैट इज़ व्हाट यू आर गेटिंग 8। अगर आप इसको और दूसरे तरीके से करना चाहें तो इसको पूरा ही फैक्टराइज कर दीजिए, 64 को पूरा ही फैक्टराइज कर दीजिए, तो 232, 216 और 28, 24 8, 22 4, 21 2। ओके, तो 2 कितने बार आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख दिया यहाँ पे 2 की पावर 6 टू दी होल पावर 1/2। तो इसको हम लिख दिया 2 की पावर 6 इंटू 1/2, पावर के ऊपर पावर होती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 3 या 6, तो क्या बचा आपका, 2 की पावर क्या बच गई, 3 1 या 3, तो 2 की पावर 3 माने क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज़ 8। ओके, तो आप कैसे भी करो रिजल्ट वैसे ही आएगा, तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। ओके, सेकेंड वाले में आप समझ गए होंगे, फिर सेकेंड वाले में नॉर्मल सा है, 32 टू दी पावर 1/5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 32 को अगर फैक्टराइज करूँगा मैं, फैक्टराइज करने के बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 पाँच बार आएगा, और टू दी होल पावर 1/5, दैट मीन्स 2 की पावर 5 इंटू 1/5, पावर के ऊपर पावर होंगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 की पावर 1 बचा, जिसकी वैल्यू हो गई 2। ओके, थर्ड वाले में 125 टू दी पावर 1/3 है, तो इसको हम लिख देंगे, 125 को तोड़िए आप, फैक्टराइज कीजिए, तो 5 की पावर क्या आ जाएगा, 3, और टू दी होल पावर 1/3, तो इसको आप आंसर 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, 5 आ जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा आपका। सेकेंड वाले में चलें, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखिए, 9 टू दी पावर 3/2 है, ठीक है, तो हमने 9 को ऐसे फॉर्म में लिखना है ताकि उसकी पावर में 2 आए। तो 9 को कैसे लिख सकते हैं हम कि उसकी पावर में 2 आए, तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 है, अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 इंटू 3/2, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा कि आपके पास 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 माने 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज़ 27। ओके, इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट आपका 32 टू दी पावर 2/5 है, तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं, कोई नंबर ऐसा फाइंड कर सकते हैं जिसकी पावर ऑफ 5 लिखने पर 32 बने, तो हम 32 को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा। तो 32 को ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और उसके बाद आया आपका 2 2 जा 4, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आ गया 2 1 जा 2। ओके, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर आ गया 2 कितने बार आ रहा है, 2 1 जा 2 2 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 सीधे बन गया आपका ही, 32 को हमने 2 की पावर 5 लिख दिया, तो हमें 5 ही चाहिए था यहाँ, ठीक है, तो ये बन गया आपका 2 की पावर 5 इंटू 2/5, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, 2 की पावर 2। ओके, तो जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। थर्ड वाले पार्ट में आइए, थर्ड वाले पार्ट में क्या है, 16 की पावर 3/4, तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, 16 को फैक्टराइज कीजिए तो आपको 2 की पावर 4 मिल जाएगा, ठीक है, 2 की पावर 4 मिल जाएगा डायरेक्टली, 2 की पावर 4 हम लिख देंगे 16 की जगह पे, और 3 की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 8। ओके, इन द सेम मैनर इसका जो फोर्थ पार्ट है, 125 टू दी पावर -1/3 है, तो इसको हम 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3। ओके, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5 की पावर में -1, और जिसको हम लास्ट में लेंगे इसका रेसिप्रोकल 1/5 टू दी पावर 1 माने 1/5। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। पहला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 का पहला पार्ट 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो और दोनों के बेस सेम है, यहाँ पहले वाले में बेस 2 है, दूसरे वाले में बेस 2 है, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या होते हैं,
ऐड हो जाते हैं, जो कि हमने क्लास 8 में पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n तो इक्वल टू क्या बन जाए, x की पावर m प्लस n लिखते थे हम, तो वही रूल यहाँ पे लगाएंगे हम। 2 की पावर क्या बन जाएगा फिर, ये 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5, इनको ऐड कर लीजिए एलसीएम लेकर के, तो एलसीएम आ गया इनका 15, 3 5 जाए 15, 5 2 जाए 10, 5 3 जाए 15, 3 1 जाए 3, तो ये क्या बन गया आपका 2 की पावर 13/15। बस ऐसे ही छोड़ दोगे आप इसको, यही इसका आंसर होगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। इसके बाद सेकेंड वाले पार्ट में आइए। सेकेंड वाला जो पार्ट है इसका वो है 1/3 की पावर 3 टू दी होल पावर 7 है। ठीक है, तो इसको हमने लिखा। अब देखिए इसमें तो हम सीधे 1 की पावर में 7 आ जाएगा और 3 की पावर में भी 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 दोनों में पावर जो है दोनों के ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर के ऊपर भी और डिनोमिनेटर के ऊपर भी, ब्रैकेट जब तोड़ेंगे हम, ब्रैकेट को हटाएंगे तो। ठीक है, तो 1 की पावर में चाहे कुछ भी हो 1 की वैल्यू 1 ही रहती है, और 3 की पावर में 3 है उसकी पावर में 7 है, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 7 जा 21। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका सही है। ओके, थर्ड वाले में देखिए आप, 11/1/2 अपॉन 11/1/4, तो यहाँ पर रूल आ जाता है एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन। जब बेस सेम होते हैं और उनके बीच में ऑपरेशन डिवीजन का होगा तो पावर क्या हो जाएंगे आपस में, तो पावर आपके घट जाएंगे एम माइनस एन। तो यहाँ पे बेस सेम है, ऑपरेशन दोनों के बीच में डिवीजन का हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट यू विल गेट हियर, 11/1/2 - 1/4। तो इसको एलसीएम लेकर के घटा दीजिए, तो 4 एलसीएम हो गया, 2 - 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 11/1/4। ओके, तो आप आरडी शर्मा में या अदर बुक्स में यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कीजिएगा आप, क्योंकि ये तो बहुत नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के भरोसे मत रहिएगा। तो इस खाली बेसिक से जो फंडे हैं उसके ऊपर हैं आपके, तो ये क्वेश्चंस आपके इजीली बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए इनमें भी ऑपरेशन बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का है और दोनों की पावर सेम है। तो हमने ये यहाँ भी एक्सपोनेंट्स के रूल में पढ़ा किया था क्लास 8 में, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, अगर दोनों की पावर सेम है और बीच में ऑपरेशन है आपका क्या, मल्टीप्लाई का, तो दोनों एक ही साथ हो जाएंगे, ए बी टू दी होल पावर एम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही कर देंगे, अब ए इंटू बी है आपका, ए बी माने ए इंटू बी, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए आपके 7 × 8, और होल पावर में आपका 1/2 आ गया, पावर दोनों में सेम है। ओके, तो ये बन गया आपका 7 × 8 = 56 × 1/2, बाकी ये कुछ नहीं हुआ, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता फर्दर। ठीक है, 56 को हम ऐसे पावर में तो नहीं लिख सकते हैं जिसकी पावर में 2 आए, तो इट विल रिमेन एज इट इज़। तो होप दिस इज़ क्लियर। तो एक्सपोनेंट्स के जो लॉज है उनको एक बार दोबारा देखिए क्लास 8 से, दोबारा बुक खोलिए एनसीईआरटी की, वहाँ पे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है उसको रिवाइज कीजिए, देन यू कम टू द एक्सरसाइज, सिंपल तरीके से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, वहाँ भी आपने कर ही रखा था उसे क्लास 8 में, तो देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम एज सच इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।